डॉक्टर फिरोज खान नवजीवन मेडिकल सेंटर हापुड़ की ओर से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी नगर व देशवासियों आने वाले पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवजीवन हॉस्पिटल दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जेएमएस वर्ल्ड स्कूल में सीबीएसई क्लस्टर का शुभारंभ हुआ 11 बजे किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना व रंगारंग कार्यक्रम के साथ क्लस्टर की शुरुआत की, जिसमें उत्तराखंड व वेस्ट यूपी के स्कूलों से लगभग 100 टीमों ने भाग लिया। ओपनिंग सेरेमनी के राज्य ऊर्जा मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर सहारनपुर मंडल उत्तर प्रदेश डॉक्टर रितेश गुप्ता, निर्देशक महर्षि यूनिवर्सिटी नोएडा नरेश तोमर, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हापुड़ प्रमोद जिंदल, पूर्व महामंत्री भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर विपिन गुप्ता, डॉक्टर पायल गुप्ता महिला संगठन जिला अध्यक्ष हापुड़, राजीव अग्रवाल सांसद प्रतिनिधि सुभाष प्रधान अध्यक्ष भूमि विकास बैंक रहे, जिन्हें विद्यालय चेयरमैन राकेश सिंहल, प्रबंधक आयुष सिंहल, सचिव डॉक्टर रोहन सिंघल तथा प्रधानाचार्य डॉक्टर निधि मलिक तथा जेएमएस ग्रुप डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सुभाष गौतम ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। सभी टीमें अपने अपने स्कूलों का सीबीएसई फ्लैग के नीचे प्रतिनिधित्व करती हुई मार्च पास्ट में शामिल हुई। उसके बाद मैच का शुभारंभ मुख्य अतिथि के द्वारा किया गया। सभी खिलाड़ियों ने उत्तम प्रदर्शन किया। मीडिया प्रभारी रुचिका खुराना ने बताया कि खो खो के ये मैच 29 अक्टूबर रविवार तक चलेंगे। इस खो खो के खेल के कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर पहुंचे राज्य के ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने क्या कहा, सुनते हैं। हापुड़ से एटीसी फास्ट न्यूज के लिए बलविंदर सिंह के साथ चंदन सिंह की रिपोर्ट। देश के सचिव प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, और मैं धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूंगा कि 2014 के बाद देश के सचिव प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने खेलो इंडिया के माध्यम से जो सेंटर स्थापित हुए, नहीं तो हम लोग जानते हैं कि पहले खेल के क्षेत्र में जाने वाले बच्चों के लिए किस तरह की भावनाएं होती थी। एक कहावत प्रचलित थी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे। लेकिन आज ये खुशी की बात है कि मैं यदि देश के अंदर बात करूं तो देश में सबसे अधिक खिलाड़ी हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकल रहे हैं, और इसी सब देखते हुए जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने खेल विश्वविद्यालय की मांग करी तो मुझे बताते हुए खुशी है कि पश्चिम में ही मेरठ के अंदर खेल विश्वविद्यालय आपके लिए ही बनवाया जा रहा है। देखिए, मैं एक निवेदन और करूंगा। बहुत से लोग संसाधनों की बात करते हैं कि संसाधन ना होने के कारण हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन बड़े उदाहरण आप लोग के सामने हैं। अभी जो एशियाड में हमारे बच्चे जो गोल्ड मेडल लेकर आए, यदि मैं बराबर की बात करूं तो जेवलिन थ्रो में अन्नू रानी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब वो खेत में जाती थी तो गन्ने के खेत में कोई जेवलिन नहीं था उसके पास, कोई भाला नहीं था, लेकिन गन्ने फेंक फेंक कर ही उसने प्रैक्टिस की, लेकिन गोल्ड मेडल विजेता बनी या नहीं बनी। देखिए, संसाधन कभी भी हमारे आगे नहीं आ सकते। यदि हम लोगों ने दृढ़ संकल्प लिया है, यदि हम चाहते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, तो संसाधनों की कमी कभी हमारे सामने नहीं आ सकती। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि देखिए, जितने भी खिलाड़ी और जितने भी व्यक्तित्व बड़े स्तर पर पहुंचे हैं, मैक्सिमम के बारे में यदि आप पढ़ोगे तो उनमें वो लोग मिलेंगे जिनके पास संसाधन नहीं थे, लेकिन उनके पास लक्ष्य था, उन्होंने लक्ष्य तय किया था कि हमें यह प्राप्त करना है। आज तो सुविधाएं बढ़ रही हैं, आज 107 मेडल हमारे देश के नौजवान खिलाड़ी लेकर आए, लेकिन ये प्रेरणा मिली तो देश के सचिव प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा। अभी रविंद्र भाई कह रहे थे
लड़कियों की बात आई, देखिए सिर्फ खेल में ही नहीं, आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारी बच्ची आगे ना हो। राजनीतिक क्षेत्र में आप देखिए, विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री से लेकर जो महत्वपूर्ण पद हैं वो सारे मातृशक्ति के द्वारा संचालित किए गए। अभी विश्वविद्यालय के अंदर कन्वोकेशन था, दीक्षांत समारोह था, जिसमें राज्यपाल मैडम आई थी, उसमें भी 70% गोल्ड मेडल थे तो वो लड़कियों के थे। देखिए जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। आज लेकिन माहौल ऐसा है, आज उत्तर प्रदेश के सच्चे मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से आज ना तो कानून व्यवस्था की दिक्कत है, ना कहीं माहौल की किसी को समस्या है। आज जो बच्चे करना चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं JMS का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा। उनका सहयोग हमेशा खेल के क्षेत्र में मिलता रहता है, इसी तरह से उनका सहयोग हमारे इन प्रतिभावान बच्चों को मिले और इनका टैलेंट दिखाने का अवसर मिले। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आप सही कह रहे थे कि मातृशक्ति